खुदा के वजूद पर यकीन करने से हमें क्या फर्क पड़ेगा और माशरे पर इसका क्या असर होगा ये तो मेरा मैं इसमें अब डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि कानून की हुक्मरानी हो जाएगी बगैर किसी कैमरे की आंख के जब आप खुदा में बिलीव करने वाले होंगे देखें कुरान में भी अल्लाह तला ने तलाक को जब बकरा में डिस्कस किया है ना वहां ये अलाउ किया है कि कोई एक या दो तलाक देता है तो अपनी बीवी से रुझू कर सकता है लेकिन साथ ही कहा कि अल्लाह से डरना इस मामले में कि कानून तो कोई शख्स जुर्म नहीं कर रहा लेकिन अखलाकन तो जुर्म कर रहे तो अल्लाह तरह मैं ऐसा ना हो कि अपनी बीवियों को जलील करने के लिए उनकी तरफ तुम रुझू लाओ कि फिर मैं इसको कुछ अरसा रखूंगा फिर तलाक फेंक दूंगा हालांकि पहले दिन ही तुम डिसाइड कर चुके हो कि मैंने इसे नहीं रखना तो इस तरह ना करो अल्लाह तुम्हें देख रहा है खुदा के बनाए हुए कवानीन में भी चेक जो है ना बार वो खौफ खुदाई है अदरवाइज आप कोई ना कोई बीच में ऐसी शिक निकाल लेंगे कि दुनिया में आप उस कानून की जद में आने से बच जाएंगे लेकिन अल्लाह के हजूर आप पकड़े जाएंगे ये मैं आपको बता दूं वो आप इन सारे मामला के जरिए दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं कानून को भी धोखा दे सकते हैं जिसकी नुमाइंदा मिसाल आपके वकल आए जरा आप पूछें किस तरीके से वकील हजरा कैसे केस को बिगाड़ते हैं और वो जज के सामने साबित कर देते हैं इवन नबी इस्लाम ने अपने बारे में फरमाया बुखारी मुसमस है कि बाज़ुकात मेरे सामने कोई मुकदमा पेश होता है तो मैं शवाहिद की बुनियाद पर फैसला कर देता हूँ देखना तुम में से कोई चर्ब जुबान होता है और वो अपनी चर्ब जुबानी की वजह से मुझे कायल कर लेता है और मैं उसके हक में फैसला कर देता हूँ होता वह बातिल पर है तो ऐसा शख्स भी अपने घर आग का टुकड़ा लेके जा रहा है अगरचे मैंने भी उसके हक में फैसला किया है ना अल्लाह के जूर तो वह दो नंबर है नबी भी फैसला कर दे इल्ला ये कि अल्लाह ताला अपने नबी को गैबी खबर दे दे कि भाई ये गलत हुआ है तो वो रेमेडी हो जाए अदरवाइज नबी इस फरमाया कि मैं भी किसी के आग में फैसला कर दू ना तो वो आग का टुकड़ा ही लेके जा रहा है अगर उसे तो पता है ना कि वो ना हक है तो वह अल्लाह के जोर तो पकड़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है हाँ अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता सुरबा में अल्लाह तनाफकिन के बारे में फरमाया ना कि नबी ये उठाते हैं ताकि आपको आपके साथियों को राजी कर लें तो वो तो कर लेंगे ये लेकिन अल्लाह को नहीं कर सकते अल्लाह को तो पता है ये धोखा दे रहे हैं है इंसान तो ज़ाहिर को देख नबी इस्लाम ने भी तो जहरी बहाने मुनाफिक के गजबे तबूक के मौका पर एक्सेप्ट किए सूर्य तोहबा में आते हैं हत्या कि अल्लाह ने फरमाया अल्ला माफ करे आपने इनको क्यों जाने दिया लेकिन नबीर इस्लाम ने जहर पे फतवा एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी बमार है तो नबीर इस्लाम ने उसकी जुबान का एतबार किया झूठ बोल रहा है या सच बोला ठीक है हालांकि हजूल को फेस रीडिंग से पता चल रहा है कि ये कर रहा है लेकिन ठीक है एक अच्छे टीचर इसी तरीके से ही बिहेव करता है लेकिन अल्लाह तला ने कहा कि आप इनको ना जाने देते चोर को घर तक पहुंचाते लेकिन नबी नबीलाम की वो शराफत शफकत थी और वही कुरान में कुरान मेंबा में ही है कि ये कहते हैं कि नबी तो नेरे कान ही है जैसे कान सुनता है अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता सुना तो बस ये सुन लेता है तो अल्लाह ने कहा और माया इनका कान होना तुम्हारे लिए रहमत है अगर ये उस तरह क्रिटिकली तुम्हारे पे गिरफ्त करना शुरू करते हैं तो तुम्हें फिर तो अजरत उम्र की तलवार ही आएगी ना तुम्हारे ऊपर कब से इब्ने भाई फारह हो गया होता अगर हुजूर जाहिर हजूर जहरा नबीसलाम को भी सब कुछ समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है कितनी दिन बाद उमर ने कहा यार सोल्ला इजाजत दें अब्दुल्लाबन इब्ने हाँ आप फरमाया छोड़ दो लोग कहेंगे अपने साथियों को मरवाता है नबी नबीलाम का विजन आप देखें आप बाद वाले हालात के ऊपर गौर कर रहे थे कि ये तो मारा जाएगा लेकिन ये मुसीबत जो पीछे छोड़ जाएगा ना वो बड़ी है इसलिए टॉलरेट करें रिप्लाई टू करने की जरूरत नहीं है हर वक्त ही हर बात को रिप्लाई टू नहीं करना होता यहां पर हर बंदा जो है ना रिप्लाई टू करना शुरू कर देता है हर बात को तो उसका भी नुकसान ही होता है